अब मैं भाई वाहिद अली वाहिद से आग्रह कर तमाम अधिकारीगण है, मेरे मित्र हैं, कुछ निवेदन पे आए हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, मैं सबको सलाम करता हूं। और आजकल जिस बात पे बड़ी सी विवाद बड़ा हो रहा है, भारत माँ पे, सरस्वती वंदना पे, मैंने 25 साल पहले जो कविता लिखी उस वक्त भी कुछ विरोध हुआ, लेकिन मैंने कहा वो माँ तो हमको जन्म देती है, संस्कार देती है, उसका रूप एक साधारण माँ का होता है, उस माँ से कुछ मांगना चाहता है। कविता के दौर में शायरी सुनेंगे, गीत सुनेंगे, जो भी सियासत की बात आजकल होगी सुनेंगे, और अच्छी कविताएं हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि एक बार सारे कवि पढ़ लें, तब आप कहीं जाएं। दूसरे दौर में कविता होगी। एक शेर मेरा यूं है कि लोग मिलते हैं गुजरते हैं हवाओं की तरह, लोग मिलते हैं गुजरते हैं हवाओं की तरह, कौन रुकता है बरसता है घटाओं की तरह, और कुछ भी देते हैं बड़े लोग मुनादी करके, कौन देता है दुआ माँ की दुआओं की तरह, कौन देता है दुआ। वो माँ जब दिखाई देती है तो उस रूप को देखना और बिना किसी जात के भाव के, किसी धर्म को छोड़ के, एक भारतीय के रूप में सुनना और एक मनुष्य के रूप में सुनना, सुनिएगा। रक्त की बूंद को रूप स्वरूप दे विश्व में वो गुण आगर माँ है, रक्त की बूंद को रूप स्वरूप दे विश्व में वो गुण आगर माँ है, और प्रेम पीयूष पिलाती रहे पर खाली न हो वह गागर माँ है, कि प्रेम पीयूष पिलाती रहे पर खाली न हो वह गागर माँ है, कि ब्रह्म का ज्ञान कराती हमें वह आदि पुराण का आखर माँ है, और नदियों से नहीं तुलना जिसकी ममता मई रूप का सागर माँ है, कि नदियों से नहीं तुलना जिसकी ममता मई रूप का सागर माँ है। और माँ कहाँ दिखाई देती है, भारत के रूप में, एक सरस्वती माँ के रूप में, एक साधारण माँ के रूप में, तो उसका रूप बड़ा हो जाता है कि माँ के ही भाई भाई वाह, कि माँ के ही पैरों के नीचे है जन्नत ये कहता है पुरानो हमारा, कि माँ के ही पैरों के नीचे है जन्नत ये कहता है पुरानो हमारा, और माँ चरणों में है स्वर्ग समाहित गाता रहा ये पुरानो हमारा, कि माँ चरणों में है स्वर्ग समाहित गाता रहा ये पुरानो हमारा, कि माँ का कहीं अपमान हुआ तब क्या बच पाएगा मानो हमारा, और भारत मातु के वंदन से फिर जागृत हो स्वाभिमान हमारा, भारत मातु के वंदन से, ये उदात भावना जाती है। तो आज कहीं धरना भी होता है तो हमारी कौम जब नारे लगाती है तिरंगा लहरा के तो गर्व होता है। मैं सारे देश के लिए, सारी शायरी और कविता के लिए अद्भुत छंद मांगता हूं और सारे लोगों का हाथ खोलना चाहता हूं, आप भी ऐसा बन सकते हैं, उस भारतीय परंपरा में, उस राष्ट्र से, उस माँ से क्या मांग सकते हैं, कि पीर पे पीर मिलाई तो निहर पीर को पी के फकीर बनूं, कि पीर पे पीर मिलाई तनी हर पीर को पी के फकीर बनू, और पीर को प्रेम के रंग में घोल के गालिब मीर नजीर बनू, कि पीर को प्रेम के रंग में घोल के गालिब मीर नजीर बनू, कि फकर हो के फिर वो जग में कवि का मना है कि कबीर बनू, वाहिद में रस खान के भाव में नागन थैया या हीर बनू, कि वाहिद में रस खान के भाव में नागन थैया या हीर बनूं। और ये बड़ी कल्पना होती है तो कवि कहता है अपने शायर कवियों को, शायरों को मैं समर्पित करता हूं और कहता हूं कि आपके पास कविता है, आपके पास शायरी है, तो आप समाज को कुछ दे सकते हैं और किसी के आगे सर नहीं झुका सकते हैं। ये अद्भुत छंद मैंने डॉक्टर कलाम के लिए लिखा था, मैं समझता हूँ कि जीवन में शायद बिल्कुल ठीक था और आपके जीवन हो सकता है। आखिरी तीन छंद सुनिएगा, ये घनाक्षरी के छंद सुनिएगा। वाह भाई, धन्यवाद। कि छंद गीत गजल सुनाता रहूं अविराम लेखनी पुकारे सदा सुर सती माई को, कि छंद गीत गजल सुनाता रहूं अविराम लेखनी पुकारे सदा सुर सती माई से, और यश की कमाई से ये पेट भरे दोनों जून छूने से भी डरूं बेईमानी की कमाई को, यश की कमाई से ये पेट भरे दोनों जून छूने से भी डरूं बेईमानी की कमाई को, कि प्रभु के सिवाय शीश झुकने न पाए कहीं मानू नहीं किसी आदमी की प्रभुताई को, और आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्द माल देवता भी सुने माँ तू मेरी कविताई को, आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्द माल देवता भी सुने माँ तू मेरी कविताई को। और
बड़ी कल्पना हो जाती है। तो आज इसके लिए राष्ट्रीय एकता के लिए बैनर लगा है, पूरे देश में इसकी मांग हो रही है। मैं कविता की कविता कल दो तरफा बात नहीं करती है, दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। एक तरफा बात करती है तो अपने कवियों शायरों से निवेदन करता हूँ कि कलम ऐसी हो, कुछ ऐसा मांगो इरा से इसे देश जुड़ सके। कि देवता भी सुने माँ तू मेरी कविता इसको, स्वागत है। दूर रहे द्वेष दम्भ सदा मेरी लेखनी से, बड़ी कलम वही है। कि दूर रहे द्वेष दम्भ सदा मेरी लेखनी से, अलग करूँ न कभी किसी भाई भाई को। दूर रहे द्वेष दम्भ सदा मेरी लेखनी से, अलग करूँ न कभी किसी भाई भाई को। सत्य को शहद में लपेट कर पेश करूं, जीव से विरत करो मिर्ची खटाई को। इस सत्य को शहद में लपेट, सत्य बोलिए, सत्य को शहद में लपेट कर पेश करूं, जीव से विरत करो मिर्ची खटाई को। कि ऐसी कविताई ना कराना मेरी लेखनी से, चोट लगे राम रहमान की मिताई को। सांवरे सलोने श्याम राधिका पे छंद रचूं, बांसुरी बजैया सुने मेरी कविताई को। सांवरे सलोने श्याम राधिका पे छंद रचूं, बांसुरी बजैया सुने मेरी कविताई को। आखिरी छंद, हम मनुष्य हैं, हमसे पाप हो सकते हैं, गुनाह हो सकते हैं, लेकिन कवि कहता है कि किसी बात पे घमंड नहीं। आप सियासत को आईना दिखा सकते हो तो किसी बात पे घमंड न करो, हमने हमेशा यही किया है। आखिरी छंद स्वामी जी के चरणों में सुनिएगा। कि देवता भी सुने माँ तू मेरी कविताई को, सबको यश चाहिए, सबको धन चाहिए, लेकिन इतना ही हो जिसको आप संभाल सके। एक सुंदर छंद और बड़े मन से पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। कि चम 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 के चमत्कारी छंद मेरे, अधियारे भागे देख शरद जुहाई को। चम 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 के चमत्कारी छंद मेरे, अधियारे भागे देख शरद जुहाई को। कि कविता में कल्पना हो, लक्षणा हो, व्यंजना हो, लोग महसूस करे काव्य की लुनाई को। कि कविता में कल्पना हो, लक्षणा हो, व्यंजना हो, लोग महसूस करे काव्य की लुनाई को। कि नम्रता सहजता सरलता हो जीवन में, भूलू नहीं कभी उस खुदा की खुदाई को। कि भूलू नहीं कभी उस खुदा की खुदाई को, मुझको भी उसी भांति तार देना मेरे प्रभु, जिस भांति तारा तूने सदन कसाई को। मुझको भी उसी भांति तार देना मेरे प्रभु, जिस भांति सदन कसाई को। आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्द माल, देवता भी सुने माँ तू मेरी कविताई को। बहुत भाई, जिंदाबाद भाई।